हाय फ्रेंड, निशा अग्रवाल की चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहली बार मेरी चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। तो आप सभी जानते हो कि अनुपमा सीरियल में अभी बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आ रहा है, जैसे कि छोटी को ले जाने के लिए माया कुछ ना कुछ कर रही है। तो वही है कि आज यही दिखाया है कि आप सभी जानते हो कि आज अनुपमा का बर्थडे है, तो अनुपमा का बर्थडे मनाने के लिए अनुज ने और अनुपमा ने जो डांस क्लास है वहाँ पे बर्थडे पार्टी रखी है। तो वहाँ पे सभी को बुलाया है, सिर्फ बा और बलराज को नहीं बुलाया है। तो बा के घर पे जैसे कि सभी जाने के लिए तैयार होते हैं और निकलने के लिए बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तो काव्या वैसे ही बोलती बाबूजी को कि बाबूजी आप नहीं चल रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं थक गया हूँ, ये बच्चों की पार्टी है तो आप लोग जाके आइए। इसी दौरान बा और बलराज दोनों है ना गुस्से में आ जाते हैं और बोल रहे हैं कि क्यों हमें नहीं बुलाया, सिर्फ तुम लोगों को बुलाया। तो काव्या ने बोला हाँ, हमें ही बुलाया है, ये हमारी पार्टी है, बच्चों की पार्टी थी इसलिए हमें बुलाया। तो बोले तुझे क्यों बुलाया, तो बोला हाँ मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया। तो बलराज और अंदर से जल जाता है, अंदर उसको तिलमिलाहट होती है। तो वाह बोलती है कोई बात नहीं, हमें नहीं जाना है, जाने दे, हमें नहीं बुलाया। तो बाबूजी बोलते हैं कि अच्छा हुआ ना तुम्हें नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ पे भी अशांति हो जाती, तो उसे शांति से बर्थडे पार्टी नहीं मनाने देती, एक दिन तो उसे शांति से अपने जीवन जी लेने दे। तो इस तरह से काव्या और बच्चे सब है ना जाने के लिए तैयार होते हैं। तो बा बोलती है तोशु क्यों जा रहा है, तो सभी बोलते हैं कि नहीं तोशु को हम संभाल लेंगे, तोशु को जाने दीजिए। तोशु भी तोतली आवाज़ में बोल रहा है कि हाँ बा मुझे जाना है। तो इस तरह से वो लोग सब वहाँ से निकल जाते हैं और डांस क्लास में जो पार्टी चल रही है वहाँ अनुपमा अनुज और छोटी भी आ जाती है और खूब धूमधाम नाच गाना होता है, बर्थडे पार्टी मनाई जाती है। अनुपमा की जो बेटी है स्वीटी वो अपने हाथों से केक बना के लाती है और अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मैंने आपके लिए केक बनाया है। तो उसे बड़े आश्चर्य होता है कि जो लड़की कभी कोई काम नहीं करती थी वो आज केक बनाई, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो अपने जमाई को अपने दामाद को पूछती है जवाई राजा क्या इसने बनाया है, तो बोले हाँ। और है ना उसने बोला कि मम्मी मैं, अनुपमा की बेटी ने बोला कि मम्मी मैंने ही बनाया है, इंटरनेट से देखकर बनाया है। तो बड़ी खुश हो गई और वो बोलती है कि जवाई राजा आपने तो मेरी बेटी को सुधार दिया। इस तरह से थोड़ी हंसी मजाक ठिठोली चलती है। केक काटते हैं फिर है ना, सब बोलते हैं चलो चलो अब केक काटते हैं। तो छोटी अनु को नींद आने लगती है, तो अनुपमा देख रही है कि उसे नींद आ रही है, तो अनुज भी बोल रहा है कि उसे नींद आ रही है। तो अनुपमा बोल रही है कि मैं उसको घर पे सुला के आती हूँ, तो अनुज बोल रहा है नहीं आज के लिए इस तुम्हारा दिन है तो तुम एंजॉय करो, मैं फटाफट उसको सुला के घर पे आता हूँ। तो छोटी के पास दोनों जन जाते हैं और दोनों बोलते हैं कि छोटी चल घर पे तुझे सुला देते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं मम्मी आपकी पार्टी, तो बोले नहीं मेरी पार्टी होती रहेगी, पहले तू जब लेते हैं बड़ा चुप ना बोल रही है, बोले कि मैं नहीं जाऊंगा थे उसे समझाते हैं। तो दोनों जन उसे लेकर जाते हैं घर पे, जो उसका लेकिन अनुपमा को अनुज नहीं जाने देता है। तो अनुपमा वहीं रहती है लेकिन उसको अंदर अंदर डर खाया जाता है कि कहीं माया उसको लेके छोटी को लेके नहीं चल जाए, माया छोटी को सबसे दूर ना कर दे उसे, नहीं तो वो लोग रह नहीं पाएंगे। उसे अंदर अंदर कहीं ना कहीं डर खाया जा रहा है पर वो बोल नहीं पाती। पर दोनों जनानु डिस्कस जरूर करते हैं इस बारे में और दोनों अंदर अंदर डर है, पार्टी तो मना रहे हैं लेकिन अंदर अंदर डर भी लग रहा है। तो यही दिखाया है कि अभी शायद वो लेके चली जाएगी।